हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज फॉर जीबीओ एस्पिरेंट्स हु आर स्टिल थिंकिंग कि जीबीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं तीन रीजंस लाया हूँ जिसके लिए आपको जीबीओ ज्वाइन करना चाहिए या फिर वो सिनेरियोज जिसमें जीबी आपके लिए अच्छा कॉलेज है, और तीन ऐसे सिनेरियोज लाए हूँ या तीन ऐसी कंडीशन हैं जहाँ पर जीबीओ में भी आपके लिए नहीं है कॉलेज। और ये जो तीन गुड रीजंस हैं इससे ज़्यादा बड़े ये तीन रीजंस होंगे कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए कॉलेज। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेक श्योर यू शेयर इट इन द एमबीए प्रिपरेटरी ग्रुप्स दैट यू आर इन और विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टिल गिविंग आउट एमबीए एग्जाम्स एंड अ प्लानिंग टू ज्वाइन जीबीओ। एंड आई टॉक इन दिस वीडियो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन जीबीओ एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल द वीडियोस जो मैंने अभी तक बनाई हैं एसआरसीसी जीबीओ और अदर एमबीए कॉलेजेस के बारे में, जो अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो अपने सारे डाउट्स मुझे कमेंट्स पे लिखिए, लेकिन वन ऑन वन सेशन में भी अवेलेबल हूँ मैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं इन टर्म्स ऑफ योर एमबीए क्वेरीज, इन टर्म्स ऑफ शुड आई ज्वाइन जीबीओ और नॉट, व्हाट कैन बी योर कस्टमाइज क्वेरीज और क्वेश्चंस अराउंड योर प्रोफाइल बिल्डिंग एज वेल एज एमबीए इंटरव्यूज, जीडी टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स आई कैन हेल्प यू विद, सो गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी एबल टू स्केड्यूल अ 30-60 मिनट सेशन विद मी वेयर वी कैन डिस्कस ऑल ऑफ दिस ओनली विद यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। तीन रीजंस मैं आपको पहले ऐसे दे रहा हूं जिसमें आपको जीबीओ ज्वाइन करना चाहिए। पहला है एसआरसीसी टैग एंड ग्रेट फैकल्टी। इसको मैंने मर्ज एक में कराया क्योंकि एसआरसीसी का जो टैग है वो बहुत फायदेमंद है और बहुत काम आएगा आपको, सिर्फ उन दो सालों में नहीं जब आप एसआरसीसी जीबीओ में हैं और उन दो सालों के बाद भी, बिकॉज एसआरसीसी अंडरग्रेड के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है ही, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं पहचानते हैं उस कॉलेज को, लेकिन जीबीओ का भी इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम है और एमबीए ग्रेड जो है उसमें से काफी लोग अब जीबीओ को जानते हैं। और इसी में मैं ग्रेट फैकल्टी की बात करूं तो उस पर ना कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैंने ये पहले भी बोल रखा है कि IIFT के, IIMs के, FMS के कई ऐसे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, जो वहाँ पे गेस्ट लेक्चर हैं, वो हमारे SRCC GBO में भी आते थे when I was a student and I still know a few of them who teach at these colleges और वो GBO में भी पढ़ाने आते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये आपको दो साल में एक बहुत अच्छा पार्ट लगेगा GBO का अगर आप ज्वाइन करते हैं कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है वो बहुत ही टॉप क्लास है। सेकेंड है डाइवर्सिफाइड सिलेबस एंड एक्सपीरियंस। डाइवर्सिफाइड सिलेबस इस तरीके से है कि आपको हर चार सेमेस्टर में HR के सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, फाइनेंस के भी, मार्केटिंग के भी। अब इसको आप गुड बोलिए बैड बोलिए, मैं इसको गुड तरीके से देखता हूँ कि दो साल में फर्स्ट ईयर के बाद यूजुअली MBAs में आपको एक नीश चुनना पड़ता है। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल बिजनेस नीच ऑलरेडी है, पर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी इंटरनेशनल HR, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा इवन इन द सेकेंड ईयर। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से और आपने उससे पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है इन दो सालों में टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ द एरियाज विद इन द इंटरनेशनल बिजनेस स्पेस एज वेल एज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द HR इंडस्ट्री, फाइनेंस और मार्केटिंग। और थर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। जीबीओ का सेकंड नेम ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप एक 3-3.5 लाख की फीस का MBA करके 12-15-18 लाख का जॉब टारगेट करते हैं तो आपका रिटर्न्स 3x-5x-6x तक जा सकता है। सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, अगर आप ऑन ग्राउंड ही अचीव कर सकते हैं, करने में उससे ज्यादा भी अच्छा लगता है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग 15-18 लाख पैकेजेस गिविंग अ 3 लाख फीस एंड आई मस्ट से वो किसी भी टीयर टू की कॉलेज के सिनेरियो से अच्छा है जहाँ पे आप 15-20 लाख फीस देते हैं और फिर जाके एक 12-15 लाख का पैकेज लगता है। अब इसी के पैरेलल हर कॉलेज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस में वो तीन चीज़ें बता रहा हूँ जब आपको इस कॉलेज को इग्नोर कर देना चाहिए या फिर आप और ऑप्शंस देख सकते हैं। सबसे पहला है, अगर आपने अभी सिर्फ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है या फिर आपने बहुत अनसीरियस अटेम्प्ट दिया, यानी आप अटेम्प्ट के लिए सीरियस नहीं थे MBA कॉलेजेस में, जैसे आपने कैट पे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और से आपने उस पर कोचिंग नहीं ली या फिर सिर्फ एक क्रैश कोर्स लिया और आप कहीं 85-90-92% में आ गए हैं, इसका मतलब अगर आप ढंग से एक डायरेक्शन लेके पढ़ेंगे अगले साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 95-100% के बीच में आप लाइक कर सकते हैं कैट जैसे एग्ज़ाम में, स्नैप जैसे एग्ज़ाम में, NMIMS जैसे एग्ज़ाम में। तो ऐसे सिनेरियो में ना खुद को रोकिए, उस अर्ज को कंट्रोल करिए और बैठ के सोचिए कि क्या मैं एक और अटैम्प्ट लेके, क्योंकि जीबीओ तो अगले साल भी आएगा, अगर मेरे पास वो एक साल है, मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, मेरी एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो क्या मैं इस चांस को भी ड्रॉप कर सकता हूँ जीबीओ का और मैं दोबारा कैट दे के, दोबारा मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम्स दे के MBA के, क्या मैं दोबारा कुछ हासिल कर सकता हूँ? क्योंकि अगर आप टॉप IIMs या ISB में चले गए तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने फर्स्ट हैंड करा था अपने टाइम पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपको 1% भी खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, तो खुद को रोकना मत और अपने एग्जाम्स कैट के, स्नैप के, उसके दोबारा देना। लेकिन वो आपको ही पता होगा कि आप किस सिनेरियो में दोबारा एग्जाम दे के पास हो पाएंगे या फिर आपको अभी GBO में कंफर्टेबल लग रहा है। सेकेंड सिनेरियो है, अगर आप 8-11 लाख के पैकेज पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं है ना, तो GBO या किसी Tier 2, Tier 3 कॉलेज में जाने से थोड़ा बचना, क्योंकि 8-11 लाख का पैकेज है, आप अपनी 2 साल सैलरी नहीं लेंगे, विच इज़ अगर आप 9 लाख की भी सैलरी लगाते हैं
तो 9 into 2 18 lakh का अपॉर्चुनिटी लॉस है आपको, और दूसरा आप उस पर 3 से 4 लाख की फ़ीस देंगे GBO में, और किसी कॉलेज में आप देंगे 10 से 12 लाख की फ़ीस। तो क्या आप इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके फिर अगर आप सिर्फ 12 या 13 के पैकेज पे ही निकल के बाहर आते हैं GBO से, तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है। फिर आपको एम करने हैं टॉप के IIMs की, आप 8-9 लाख की सैलरी से एक 20-25 लाख की सैलरी ब्रैकेट को एम करें, चाहे उसमें 20 लाख की फ़ीस लग भी रही है, डजंट मैटर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा। एंड थर्ड सिनेरियो नॉट टू ज्वाइन GBO है जब आप कुछ ऐसे नीच में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में या फिर ऐसे बिजनेस फंक्शन में जो GBO में इतने आते नहीं हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, वो था ह्यूमन रिसोर्सेज या HR। ऑपरेशन में भी कुछ ऐसी वर्क स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में आती हैं या फिर कुछ गिने चुने कॉलेजेस में आती है जो उसी चीज़ के लिए फेमस है। जैसे अगर आपको HR में जाना है, यार आप XRI जमशेदपुर जाओ, आप SCM HRD जाओ, ऐसे कॉलेजेस ढूंढो इंडिया में या अब्रॉड जो HR पे फोकस करते हो। वो पढ़ाई भी आपको सिर्फ HR की करवाएंगे फिर, या फिर HR हैवी करवाएंगे, उसी तरीके से वो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे HR में ही अलग अलग वर्क स्ट्रीम में जाने की। तो अगर आप किसी नीच के लिए बहुत क्लियर हैं फर्स्ट डे से, जो मैं नहीं था, शायद 70-80% लोग होते भी नहीं है क्लियर, लेकिन अगर आप उस 10-20% लोग में आते हैं ना जो क्लियर है कि मुझे यही करना है, तो फिर तभी आना जब आपको अलाइन लगे वो GBO से। खैर ये मैंने GBO की बात करी अभी तक, लेकिन ये वाला प्रिंसिपल आप किसी भी MBA कॉलेज में लगा सकते हैं, और ये 3 yes और 3 no के सिनेरियो उस कॉलेज में फिट करके देखना। ये तो हो गया जो मैंने बताया, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए, 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप मुझसे नहीं तो किसी और, बहुत लोग वीडियो डालते हैं GBO की, उनसे भी जाके पूछिए और अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके अपना डिसीजन बनाइए जो कि फेयर होगा और आपके लिए बेस्ट होगा। और यही मेरा एम है, दैट यू गेट वॉट यू डिजर्व एंड यू चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। इफ यू गिविंग द GBO एग्जाम दिस ईयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आई होप यू गेट इन द बेस्ट कॉलेज दैट यू डिजर्व। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, वेरी हैप्पी टू सॉल्व इट फॉर यू इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ फ्यू वीडियोज ऑन GBO, MBA, जॉब्स, कंसल्टिंग, अ लॉट ऑफ देम। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड you have pressed the bell icon so that you get notified of all these good stuff that I'm going to throw out to you. This is it for this video. I'll come back with a new video very soon, but till then, stay healthy, stay safe.